कि जिस प्रदेश से हम आते हैं हमने वहां पर हमारा कोई मंत्री नहीं है, हमने हमारे मुख्यमंत्री से बात किया, हम तमाम मुस्लिम डेलीगेशन गए, मुख्यमंत्री से कहा कि तेलंगाना में यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं, मुख्यमंत्री ने कहा बिल्कुल नहीं आएगा, हम तायी नहीं करेंगे। फिर हमने मुख्यमंत्री से कहा कि हमारे सेक्रेटेरिएट में, हिंदी में सेक्रेटेरिएट क्या बोलेंगे, मंत्रालय, सचिवालय, वहां पर मस्जिद को शहीद कर दिया गया था, आज तेलंगाना में हुकूमत ने ही मस्जिद को बनाया, नई मस्जिद को बनाया, मुख्यमंत्री आए तो हमने मुख्यमंत्री से कहा मुख्यमंत्री जी आप भी कुछ बोलिए, तो हमारे मुख्यमंत्री ने उस मस्जिद को बनाया। क्यों बनाया? क्योंकि वो भी सेकुलर हैं, वो जानते हैं कि यहां पर तेलंगाना के लोगों में बीजेपी और कांग्रेस की चापलूसी और इनकी कम्युनलिज्म पसंद नहीं है। आपको मालूम तेलंगाना में वहां की सरकार हर विधानसभा में 119 विधानसभा में एक एक विधानसभा में मेरे ख्याल से 480 लोगों के दरमियान में एक एक आदमी को 1 लाख रुपए दिए जा रहे हैं, एक एक आदमी को 1 लाख रुपए। गवर्नमेंट में ऑनलाइन अप्लाई करो, हर विधानसभा में 400 से 800 के दरमियान में एक एक अल्पसंख्यक समाज के मुसलमान को 1 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। अरे वाह वाह, तुम खाली मुशायरा नहीं हो रहा है, 5 तारीख को जाके वाह बोल के पतंग पे बटन दबाओ। और फिर आपको बताना चाह रहे हैं, हमने सरकार से बातचीत की, हमारे मुख्यमंत्री से, उनका नाम के चंद्रशेखर राव है, हमने उनसे कहा कि हमको खबरस्तान की जमीन की जरूरत है, तो हमारे मुख्यमंत्री ने 125 एकड़ कब्रिस्तान को दी। और हमने क्या किया, हमने कहा सुन्नियों की इतनी रहेगी, शियाओं की इतनी रहेगी, यहां पर हमारे बोहरी समाज के भी लोग हैं, महदवी समाज के भी लोग हैं, हमने कहा कि सबको इसमें जमीन मिल जाएगी। मेरे भाई, जिंदा रहने के लिए मंजलिस तेलंगाना में काम कर रही है, और जिंदा रहने के लिए सियासी ताकत जरूरी है।